तो हेलो तो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई निकू और आप देख रहे हो निकू व्लॉग्स। तो गाइस आज है भाई 14 जुलाई और भाई 18 तारीख को चीनू का बर्थडे है। मैंने और रिया ने उसके लिए एक बढ़िया गिफ्ट सोच रखा है। बता दे रिया क्या गिफ्ट है। नहीं, सरप्राइज रखेंगे सबके लिए। गाइस अभी रिया और मैं जाएंगे भाई चीनू का बर्थडे गिफ्ट लेने। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो भाई ऑर्डर करना पड़ेगा। उससे पहले गाइस मैं खा रहा हूँ खाना। ओ जोजो भी आ गया। ओ भाई जोजो। हाँ जोजो। गाइस को पता नहीं था ऊपर, अगर पता होता ना पहले ही भाग के आ जाता। आज खाने में भाई गुआर की फली। गुआर की फली सब्जी का नाम बेटा। तो गाइस आज खाने में भाई गुआर की फली, लस्सी और रोटी। और गाइस अभी मैं खा रहा हूँ खाना। खाना खा के चलते हैं भाई चीनू का गिफ्ट पता करने। तो चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे भाई चीनू का गिफ्ट पता करने आए थे, पर गाइस यहाँ पे तो कह रहे कि भाई हमारे पास नहीं है, साफ मना कर दिया। बाकी गाइस मेरे पास एक कॉन्टेक्ट है, वो कह रहे कि भाई भदगढ़ में भिजवा देंगे। जब मैं छोटा था ना मैं सोचता था भाई ये चीज मेरे को मिले, मेरे को तो मिली नहीं भाई कभी, पर चीनू को देंगे। तो गाइस पापा तो गए भाई मंगोल पूरी, घर के बाहर के टाइल अभी तक नहीं लगी हुई है। तो पापा ना घर के बाहर के टाइल लेने गए हैं। ओए थर्माकोल खा रहा है गाइस, देखो भाई ना थर्माकोल खाता रहता है। छोड़ दे थर्माकोल, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, बुड़का क्यों भर रहा है गाइस। इसके मुंह में थर्माकोल आ जाता है ना, पारने लग जाता है। दे दे यार, दे दे थर्माकोल भी दबा रखा है इसने। थर्माकोल दे दे, ये थर्माकोल भी मुंह में ले रखा है क्या है। जो जो मान ना कर, प्लीज दे दे, खाइयो मत इसको। दे दे यार जो। तो गाइस अभी मैं चीनू को लेके जाऊंगा भाई स्कॉर्पियो एन देखने, आज मैं पहली बार देखूंगा। खोलो खोलो ए गंजे पटेल, तेरी खोपड़ी में तेल। बस ओए भादुरगढ़ में स्कॉर्पियो एन आ गई है, खड़ी हो गई है। जल्दी कपड़े पहनिए, देखने चलते हैं। ये क्या है, साथ में कपड़े लिया है अपने भाई, पहन तो ले इनको। भाग रहे भाई, हम भाग के नहीं जा रहे भाई। गाइस ये सोच रहा है भाई इसको ना अकेले छोड़ के चले जाएंगे, कपड़े पहन के नहीं आया ये, बाहर आके पहन रहा है। तो गाइस चीनू तो रेडी हो गया है। So guys, finally भाई महिंद्रा के शोरूम में आ गया है। आज फाइनली भाई वो गाड़ी देखेंगे जो मैं लेने वाला हूँ। ये उतर के भाग भी गया। रुक जाना मेरे को लगाने दो, देखा गाड़ी साइड में। सही है सही है सही है, गाड़ी तो सही लग रही है। ऐसे नहीं खुलेगा, हाथ से खोल के देख रहा है। पूरा खुल जाएगा ये। हाँ खुल गया, पर इतना सनरूफ बहुत है ना। ओ भाई ये क्या कर रहा है, तेरे को ये दिलवा दे, तू पढ़ाई भी नहीं करता, ये दिलवा दे तेरे को, चला जाइए पूरे दिन। 8000 की स्कूटी ले रहा था, ये सही है, सवारी भी ढोइयो, पैसे भी आएंगे तेरे पास। बर्थडे पे ये गिफ्ट कर दो तेरे को, तू पढ़ाई तो करता ही नहीं है, कमा के लाइयो, यही दिला देते इसको। सो गाइस फाइनली भाई स्कॉर्पियो तो देख लिया है, बहुत ज्यादा मस्त लग रही है भाई मेरे को। और मैंने बात कर लिया भाई, जैसे बुकिंग स्टार्ट होगी ना वैसे बुक करवा दूंगा गाड़ी भाई, मस्त लगी मेरे को तो। देख साइड की लुक देख, सही लग रही है भाई मेरे को ना भाई, बहुत ज्यादा मस्त लगी। टेस्ट ड्राइव नहीं ली क्योंकि भाई टाइम ज्यादा हो रहा है, चीनू ना भाई ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है, तो इसको ट्यूशन छोड़ के आते हैं। मन कर रहा है जाने का। बाय भैया। बाय। ओ भाई ओ वो बाहर भाग के आ गया, रुक जा। ओए 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 भाई साहब चिक्की के चिपट गया था, रुक जा भाई चिक्की के ऊपर चढ़ गया था अभी। वो भाग गए, ओ रुक जा, ये पहली बार बाहर निकला है क्या। ओ भाई चिक्की क्या हो गया। ओ भाई गाइस ये ना भाई चिक्की के ऊपर ही चढ़ गया, अगर ड्यूक देख लेता ना ये चिक्की के ऊपर चढ़ रहा है, इसके ऊपर अटैक कर देता। ओ भाई ओ, ओ ड्यूक को निकाल के ला, ड्यूक का रिएक्शन देखेंगे, ये कैसे देख रहा है बच्चों को। ओ क्या हुआ चिक्की। ओ भाई ड्यूक आ जा, वो दूर रखियो दूर रखियो। ओ भाई ओ भाई ये भोग नहीं रहा, ड्यूक क्या हो गया, नहीं भोग रहा वो, पकड़ उसको पकड़ पकड़ उसको। ये मेरे पे क्यों चढ़ रहा है ड्यूक, ये मेरे पे अटैक कर रहा है, जल्दी आ, ये क्यों नहीं भोग रहा। ओ भाई ये नहीं भोग रहा यार, गाइस किलर ड्यूक कर रहा भाई, शिकार दिख रहा और कुछ नहीं दिख रहा, डर रहा है ये तो। एक और पट्टा बांध दिया, मैं डर रहा भाई कभी ड्यूक छुड़ा के ना भाग जाए, उसको पार ना ले। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई तू भी भोग। हां हां ऐसे भोग। हां नहीं भाई ड्यूक पकड़ लेगा इसको, ऐसे नहीं है, तेरी गलत बात है, तुम्हें लड़ाई नहीं करवानी। ओ ओ चीटी लामा छोड़ो, वो डर गया, खड़ा भी नहीं हो रहा। ओ भाई गाइस उसका साइज ना भाई ड्यूक से बड़ा था, फिर भी डर गया वो। सो गाइस अभी 5:38 हो रहे हैं, चीनू के ट्यूशन से आने का टाइम हो रहा है, उसके आते ना भाई सारी कमेंट्स पढ़ेंगे मस्त। और देख भाई चाचा की बाइक का इंडिकेटर तोड़ रहा है छिट्टू, छिट्टू आगे से उठा देगा बाइक को। गाइस देखो चाचा की बाइक ले रखी है उसने। ओ भाई ये अभी टूटा है और के? अभी नहीं टूटा ना, देखो सब मना कर रहे हैं, अभी नहीं टूटा। चीनू का बर्थडे 18 तारीख को, मैं ना चीनू को ना एक बहुत बढ़िया गिफ्ट देने की सोच रहा हूँ। ड्रोन साइकिल दे दूँ,
स्कूटरी स्कूटरी क्या होता है स्कूटी स्कूटी उसके लिए ना बहुत बड़ी हो जाएगी पता क्या गिफ्ट देना चाहिए तो गाइस बहुत बढ़िया गिफ्ट सोच के रख रखा है मैंने चीनू के लिए उसने ना सोची भी नहीं होगी हमारे भादुरगढ़ में आसपास किसी के पास है भी नहीं उसे एक चीज पसंद है मेरे को पता है क्या हस्की का पिल्ला अबे हस्की तो है ही भादुरगढ़ में हस्की तो भादुरगढ़ में है यार गाइस तुम्हें सबना कमेंट करके बताना कि भाई क्या गिफ्ट हो सकता है जिसने सही बता दिया ना मैं उसको पिन कर दूंगा चिकी क्या कर रही है देखो भाई क्या मिट्टी में क्या चौमिन बनाई जा रही है चौमिन कहाँ पे बनेगी और वहाँ पर कैसे बनेगी दिखाइयो तेल में तड़का लगा रही है ये कह रही है चौमिन बना रही हूँ मैं मिट्टी से नहीं खेलता इसको फेंक दो लगी ना आंखों में मिट्टी और इसकी आंखों में मिट्टी लगी और बना ले चौमिन तो दो लगी ना मिट्टी सो गाइस फाइनली भाई चीनू टकला तो आ गया है वो भाई सबने टकला मिलकर फोड़ दिया इसका मालिश करो ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाग जाओ किसने खोला अपने गेट खोल लिया पूरी प्रोटेक्शन कर रहा है ना भाई पकड़ भाई ओ भाई वो तो भाग गया भाई देखो भाई ड्रैगन कहाँ घुस गया था वो बच गया भाई इसको डर नहीं लगता इसको छोड़े से देखो भी ओ भाई ओ भाई ओ भाई गाइस देखो सब खड़े होकर देख रहे हैं दूर दूर तक गेट किसने खोल दिया था भाई अचानक कुंडी तोड़ दी इसने गाइस देख लो भाई ये भी टेढ़ा कर दिया ड्यूक ने ओ भाई ये लोडेड बंदूक है पूरी जा ड्यूक अंदर जा भाई ओ ओ पकड़ इसको सो गाइस अभी फाइनली भाई चीनू भी आ गया ट्यूशन से और अभी कमेंट्स पढ़ रहे हैं भाई जब चीनू को गंजा करवाया था गणेश भाई बोल रहे हैं कि चीनू ऑलवेज लुकिंग क्यूट सरिता सरिता और गाइस सरिता श्रेष्ठा बोल रही है चीनू इज लुकिंग लाइक एग दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे चीनू इज टकलू एंड सो क्यूट चीनू इज लुकिंग कटप्पा बर्थडे पे ना भाई बढ़िया मेकओवर करेंगे इसका चेन वेन पहना देंगे सारी सिल्वर वाली चीनू इज लाइक क्यों हिला डाला ना चीनू उजड़ा चमन लग रहा है क्रेजी ऑल इन वन भाई बोल रहे हैं कि भाई चीनू इज लुकिंग पापा की परी ये क्या बात है ये क्या बात पापा की परी लगी नहीं रहा ये पापा का मगरमच्छ लग रहा है चीनू के बाल थे ना तब भी क्यूट लग रहा था और जब अब बाल नहीं है तब भी क्यूट लग रहा है कुमार साहिब भाई बोल रहे हैं कि भाई चीनू इज बेवड़ा आप पैंथर को घर लेके आओ फिर उसको अपने साथ में रखो भाई मम्मी ना बहुत ज्यादा डर रही थी पैंथर के लिए कल ना फाइनली मैं मम्मी को मना ही लूंगा लास्ट जैसी मम्मी मान जाएगी ना वैसे मैं पैंथर को घर पे ले जाऊंगा बड़ी मम्मी मेरी मान सकती है पक्का मना लियो कल ठीक है। और गाइस 18 तारीख को चीनू का बर्थडे है तो 3:30 बजे ना भाई यहाँ पे केक काटेंगे इसी ग्राउंड में केक काटेंगे चीनू का और बहुत सारे केक ले आएंगे इसका ना भाई बढ़िया मेकओवर कर देंगे कान में मस्त बाली वाली पहना देंगे बिना छेद के डाल देंगे चल ठीक है चीनू भाई मोमोज खाने हैं चल मोमोज खिलाता हूँ बाबा जी मेरी बाइक कहाँ है शॉटगन कहाँ गई आप बताओ ये तो थी आपने छुपा रखी है पागल बता दो तुम यहाँ तो खड़ी थी बता दो मैंने सेफ खड़ी कर रखी है वहाँ खड़ी है हाँ। तो गाइस मैंने भाई पापा के ऑफिस में आया हूँ यहाँ पे पापा ने कहीं बाइक खड़ी कर रखी है कहाँ है कहाँ है कहाँ है तो गाइस अभी 8:30 बज गए हैं और गाइस एक सीन हो गया इतने सारे मोमोज खिला दिए मतलब इसका पेट फटने को हो गया है पूरा फुल हो गया ये देखो कितना निकल गया अब घर जाके खाना खाएगा गाइस हम चारों मिलकर ना भाई 72 मोमोज खाओगे 72 मोमोज खाओगे चीनू और मैंने ना खासकर ज्यादा खाए हैं तो मेरा पेट भी भाई फटने को हो गया है और कुछ भी खाओ ना तो अंदर ही नहीं जाएगा गले के गाइस मेरे तो भाई पेट में भी दर्द होने लग गया है इतने सारे तो खा लिए तो होएगा ही खाना खाएगा ये नहीं नहीं क्यों नहीं खाएगा बता बता तो दे क्यों नहीं खाएगा इसके 72 मोमोज खा लिए चारों ने मिलकर 72 थोड़ा घूम ले नहीं तो लूज मोशन लग जाएंगे ये क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है सो गाइस फिलहाल मैं आ गया हूँ घर पे गाइस ये देखो भाई थर्माकोल खा रहा है फिर से इसके मुंह में थर्माकोल निकाल लो एक बार पढ़ रहे मम्मी देख लो जल्दी जल्दी
So guys, मैं आ चुका हूँ रूम में और गाइस आज मैंने शाम का खाना नहीं खाया क्योंकि भाई बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही। मैंने और चिकनी ने भाई बहुत सारे मोमोज खा लिए फ्लो फ्लो में जो कि भाई बहुत ज्यादा गलत है, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। तुम सब ये चीजें मत करना, ये लास्ट था हमारा। इसके पीछे भी एक रीजन है। जैसे हम सब मोमोज खाने बैठे थे ना, जो शॉप का ओनर था ना वो मोमोज लाया गया हमारे लिए। तो हमने बोला नहीं था भाई मोमोज लाए जा, वो कह रहा था कि भाई शिट्टू ने मंगाया है, पर शिट्टू ने नहीं मंगाए थे, वो लाया जा रहा था। हम सब आपस में बातें कर रहे थे, बातें करते करते भाई पता भी नहीं चला कि भाई कितने मोमोज खा गए। जैसे भाई पेट फुल होने लग गया ना तब समझ में आया मैंने भाई दो तीन मोमोज से ज्यादा नहीं खाता, ज्यादा मैदा खाना अच्छा नहीं होता। पर गाइस फिर भी आज याद नहीं रही, गाइस नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा। गाइस आज मैंने फाइनली चीनू का बर्थडे गिफ्ट ऑर्डर कर दिया है, उसके बर्थडे तक आ भी जाएगा। तुम सब गेस करना, कमेंट करके बताना कि भाई क्या हो सकता है। मैं ना सारी कमेंट्स पढ़ूंगा। कल ना भाई मैं पूरे दिन मम्मी को मनाने वाला हूँ भाई पैंथर के लिए। जिस दिन भाई पैंथर को लाया था ना पहले दिन में, मम्मी रोने लग गई थी भाई इसको दूर से देख के ही। मम्मी को डरावना लग रहा था भाई बहुत ज्यादा। कल पूरे दिन मम्मी को मनाऊंगा, तसल्ली दूंगा कि भाई पैंथर ऐसा नहीं है, जिस घर में रहेगा ना भाई उसकी पूरी प्रोटेक्शन करेगा। डेली ना मेरे को उसकी बहुत ज्यादा याद आती है, मतलब मैं सोचता रहता हूँ भाई अब क्या कर रहा होगा, अब क्या खा रहा होगा, वो सो रहा होगा या फिर जग रहा होगा, मतलब मैं बहुत सोचता रहता हूँ उसके बारे में। और गाइस तुम एक काम करना, तुम भी मम्मी को मनाना, कमेंट कर देना। वो कमेंट ना मैं मम्मी को दिखाऊंगा भाई सब कह रहे हैं कि मान जाओ। हो सकता है भाई मम्मी ना कमेंट्स देख के मान जाए, जैसी मम्मी मान जाएगी ना वैसे ही मैं घर में ले आऊंगा। सो गाइस फिलहाल 2 बजे से ऊपर टाइम हो गया है, अभी मैं कर रहा हूँ एडिटिंग करने के बाद जाके मैं सोऊंगा। वीडियो को ही पेंड करते हैं, यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तुम्हारे भाई का चैनल है निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।